सेवा जुहार साथियों, तो आज हम बात करने वाले हैं मक्का मदीना के बारे में, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि आदिवासियों के आराध्य देव को मक्का मदीना में कैद करके रखा गया है। क्या है इसकी सच्चाई जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप एक सच्चा आदिवासी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। मक्का मदीना सऊदी अरब का एक व्यापारिक शहर है। साथियों, मक्का मदीना की कहानी शुरू होती है आज से 1400 वर्ष पहले, जहां पैगंबर मोहम्मद के शासन से पहले मक्का हिंदुओं का राष्ट्र हुआ करता था, जहां हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। और इतिहासकारों के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद के शासन के बाद हिंदू राष्ट्र खत्म करके इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया गया, जिसके बाद मक्का के देवी देवताओं और पूजनीय स्थलों पर इस्लामिक लोगों का कब्जा हुआ, जिसमें 7वीं शताब्दी की प्रसिद्ध शिवलिंग है जिसे मुक्केश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाता था, जिसे आज इस्लामिक धर्म में काबा कहा जाता है। साथियों, ऐसा बताया गया है कि मुक्केश्वर शिवलिंग की स्थापना स्वयं रावण ने की थी। भगवान शंकर के वरदान से शिवलिंग प्रतिमा रावण लंका लेके जा रहा था, पर रास्ते में कुछ दिक्कतों की वजह से रावण को शिवलिंग मक्का में रखना पड़ा और शिवलिंग प्रतिमा हमेशा के लिए मक्का में स्थापित हो गई। और साथियों, लोगों का कहना है कोई भी हिंदू या कोई भी व्यक्ति मक्का के शिवलिंग पर पानी या दूध चढ़ाता है तो शिवलिंग हमेशा के लिए मक्का से आज़ाद हो जाएगी। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें आदिवासियों के आराध्य देव कहाँ हैं। तो साथियों, भगवान शिव ही आदिवासियों के आराध्य हैं, जिन्हें इस सृष्टि का निर्माण किया है, जिन्हें हम शंभू शेख के नाम से जानते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। सेवा जुहार।